कालेषु मन्ये करुणेषु दासि कुचेषु माता शरणेषु कालेषु मन्ये करुणेषु दासि कुचेषु माता शरणेषु कालेषु मन्ये। कुछ वक्त और तुम्हारा ये जन्म और तुम्हारी ये कहानी भी खत्म। योर ऑनर, सच तो ये है, जब मैंने समायरा की खून से लथपथ लाश देखी तो छुरा प्रथा के हाथ में ही था। ये अदालत प्रथा गुजराल को फांसी की सजा सुनाती है। तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। इसके घर से कोई नहीं आया है, इसका अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा। बॉडी लाओ। तुमने मेरे शेष नागिन बनने के सपनों का गला घोटा था ना, आज मैंने अपने हाथों से तेरा गला खोल दिया। बता नहीं सकती तुम्हें मुझे कितना सुकून मिल रहा है। आज वो रात आ गई जिसे मुझे बरसों से इंतजार था। पिताजी, मैं आपको नहीं बचा सका। पिताजी, कितना कुछ कर सकता था मैं, पर कुछ भी नहीं कर सका मैं। हीना, इतना प्यार किया मैंने तुमसे, पर वो बेवफा निकली। बेवफा ही नहीं, धोखेबाज निकली। वो धोखेबाज, ऐसी धोखेबाज जिसने सिर्फ मुझे ही नहीं अपनी खुद की बहन को भी धोखा दिया। मुझे माफ कर देना पिताजी। फिर वही रात है, शुक्ल पक्ष की रात, जिस रात परसों पहले मुझे शेष नागिन बनना था। वो रात आ ही गई जब चांद की रोशनी सीधे इस दूध में गिरेगी, तब ये दूध तुम्हें पीना होगा और ये दूध पीकर तुम शेष नागिन बन जाओगी। पर मैं बन नहीं सकी। आज मेरी किस्मत मेरी कायनात को फिर मेरे पास लेके आई है। आज मैं वो बनूंगी जो मुझे बहुत पहले बनना था। तो आज तो मुझे यहां आना ही था। आज मैं वो बनूंगी जिसके लिए मैं बनी हूं, शेष नागिन। नानी, नहीं
ननिहाल से बड़ी नातिन को शेष नागिन बनाने की परंपरा रही है, तो आज आपकी ये बड़ी नातिन जो आपका ही खून है और आपका ही जुनून, आज आपका ही ओहदा लेने जा रही है, शेष नागिन बनने जा रही है। ब्रह्मांड का नियम है कि शेष नागिन वो ही बनती है जिसे चुना जाता है, और चुनते हैं हमारे पूज्य हमारे इष्ट शिव जी। और शिव जी के इस काम को अंजाम देते हैं शेष नाग। हाँ, एक नागिन को शेष नागिन बनाते हैं शेष नाग, पर इसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई वंशज होना जरूरी है। वंशज के बिना यह विधि अधूरी है, और तुम्हारे वंश में अब ना तो तुम्हारी माँ जीवित है और ना ही तुम्हारी बहन प्रथा। पर फिर भी मैं शेष नागिन बनूंगी क्योंकि मुझे शक्तियां चाहिए। प्रथा नहीं तो क्या, मां नहीं तो क्या, पर अभी भी एक है जो मुझे अपना ओहदा देने के लिए तैयार है। कौन है वो? क्योंकि तुम्हारी नानी नागेश्वरी की एक ही बेटी थी, और उस बेटी की सिर्फ दो बेटियां, तुम और प्रथा, और अब उनमें से कोई नहीं है। है, माने तो क्या, पर उनकी बहन अभी भी है। हाँ, मैं आज मेरी साक्षी में कुदरत का यह अद्भुत नजारा मैं अपनी नजर से देखूंगी। मासी आइए, अंदर आइए। कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं। आइए, अपने इस नाग महल में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहां से मेरी अपनी मां ने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही से प्यार करती थी, तेरी मां से। रूपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पर आप जानते हैं ना कि मैं एक नागिन हूं, और अगर हमारी शादी हुई तो हमारे बच्चे। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहना चाहता हूं, और हमारे बच्चे भी होंगे। मैंने आज तक जो कुछ भी चाहा उसे हासिल किया है। मैं शिवान से प्यार करती हूं और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। और फिर तुम्हारे मां बाबा की शादी का दिन तय हो गया। प्रणाम मां। रूपा बेटे, इस नागवंश में मेरे बाद तुम्हारी बेटी ही शेष नागिन बनेगी। ये तो गलत है, मेरी औलाद शेष नागिन क्यों नहीं बन सकती? मेरी औलाद ही शेष नागिन बनेगी, और इसके लिए शिवान की शादी भी होगी, लेकिन रूपा से नहीं, मुझसे। रूपा, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रही हूं,
लेकिन आज से तेरी ये छोटी बहन हर वक्त तेरा साथ देगी। मैं बहुत खुश हूं तेरी शादी से, और तुझे पता है इसी खुशी के लिए मैं तेरे साथ झूम झूम कर नाचना चाहती हूं। क्या हुआ उर्वशी? जल्दी करो बेटे, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अब उर्वशी कहाँ है? वो बस आ ही रही है माँ। अच्छा, आप गठबंधन कर दीजिए। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। तो क्या उस रात आपको श्राप मिला? माँ क्या हुआ? माँ, माँ, माँ हुआ क्या? रूपा कहाँ है? उर्वशी, हम नागलोक के भी कोई नीति नियम हैं। तुमने आज जो तुम्हारी बहन के साथ किया है
वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। इस बात की माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी तुम्हें। नहीं मां, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं उर्वशी, इतने सालों में नागवंश में इतना बड़ा धोखा किसी ने किसी को नहीं दिया, और मैं तुम्हें नहीं देने दूंगी। मैं शेष नागिन नागेश्वरी, आज तुझसे तेरी नागिन की सारी शक्ति वापस लेती हूं। आज से तू इच्छाधारी नागिन तो क्या, तू साधारण नागिन भी नहीं रहेगी, और मैं तुझे नागलोक और नागवंश दोनों से बेदखल करती हूं। हमारे नागलोक के होने की वजह से अगर किसी और शक्ति से तू दोबारा नागिन बन भी गई तो 24 घंटे में ही तेरी मौत हो जाएगी। और उस दिन मेरी मां ने मुझे नागलोक से निकाल दिया। आज इतने सालों बाद नागलोक से फिर से मुझे बुलावा आया है। मैं शिवान से प्यार करती थी, उस मंत्री से तो मैंने सिर्फ दौलत की ताकत के लिए शादी की थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा जब मेरा अतीत लौट कर वापस मुझे मिलेगा, और वो दिन आया। वो दिन आ गया जब मुझे उस घर में वो केचुली मिली, और उसी दिन से मैंने तुम्हारा और प्रथा का साय के तरह पीछा करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि तुम दोनों बहनें हो और नागिन भी हो, और इनसे भी ऊपर मेरी सगी बहन रूपा की बेटियां, वही रूपा जिसकी वजह से मुझे नागलोक से बाहर निकाल पेगा था। बस मैंने ठान लिया कि मुझे बदला लेना है, इसीलिए मैं चाहती थी कि महक शेष नागिन बने, तभी तो मैंने इसका साथ दिया, महक का साथ दिया। हाँ, आपकी वजह से तो मैंने अपनी बहन का इतना बड़ा धोखा दे दिया। एक दिन मेरी यही मासी मेरे पास आके बोलती है कि महक तू क्या कर रही है, अपनी छोटी बहन की परछाई बनकी चल रही है। तेरा भी वही हाल है जो कभी मेरा था, पर मैंने एक रईस आदमी से शादी कर ली। जैसे मैंने इतना बड़ा काम किया है, तू भी कुछ इतना ही बड़ा कर अपनी जिंदगी में। तो मैंने भी इनसे भी एक बड़ा काम किया, अपनी बहन से शेष नागिन का औहदा छीन लिया, और उसका पति भी। मेरे हाथों में दो जमाने, एक तीर से दो निशाने। ये तो छल है, धोखा है, फरेब है, नागलोक की परंपरा के खिलाफ है। तो मैंने जो सालों साल शेष नागिन बनने की तपस्या की, फिर भी मैं शेष नागिनी बन सकी, क्या वो नागलोक की परंपरा के खिलाफ नहीं था? तपस्या की मैंने, शेष नागिन बनी प्रथा, जबकि वो शेष नागिन बनना भी नहीं चाहती थी। हे शेष नाग, मैं अपनी जगह सही हूं, जिसे शेष नागिन चुना जाना था मैं वही हूं। आप अपनी परंपरा निभाइए और मुझे शेष नागिन बनाइए। हे शेष नाग, कहां है आप? आइए और मुझे वरदान दीजिए। शेष नाग आइए। हे
शेष नागिन बनने का अभिमान दीजिए। शिववरदानी आपको पुकार रही है, आइए मुझे शेष नागिन बनाइए। शेष नाग की जय हो, शेष नाग की जय हो। शेषनाग को इस नागिन का प्रणाम। हे शेषनाग, अब वक्त आ गया है कि मुझे मेरा पद और पदवी मिल जाए। आप मुझे शेष नागिन बनाइए। ब्रह्मांड के नियम कहते हैं कि शेष नागिन सिर्फ वो ही बन सकती है जो इन पांच में से किसी एक वंश की होती है। शेष, तक्षक, करकोतक, पद्म और वासुकी। और हमारे नागवंश में इन पांचों वंश में से सिर्फ एक ही नागिन है और वो हूं मैं, वासुकी वंश से। प्रथा को तो चुना गया था शेष नागिन के लिए, बड़े मकसद के लिए, देश के लिए, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इस दुनिया का रिवाज बदलना ही होगा। शेष नागिन का ताज अब मुझे मिलना चाहिए। आज वो ही रात है और वो ही मैं। आज की रात शेष नागिन को चुना जाता है तो चुनिए मुझे। शेष नागिन बनाकर मुझे मेरा हक दीजिए। तुम सही हो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें शेष नागिन चुन लिया जाए। आज की रात तुम शेष नागिन होने के सारे विधि विधान पूरे करोगी। आज तुम शेष नागिन बनोगी। क्या हुआ शेषनाग, क्या आप नहीं चाहते कि मैं शेषनागिन बनूं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, सब विधि का विधान होता है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि प्रथा ने अपनी शक्ति का कभी भी सम्मान नहीं किया था
हमेशा गलत रास्ता ही चुना और फिर अपनी गलतियों की उसने सजा भी पाई। चांद का तीसरा पैर शुरू हो चुका है, विधि विधान शुरू कीजिए आप। ओम नमः शिवाय।
इसका मतलब शेष नागिन के लिए तुम्हें नहीं चुना गया था। ये कैसे हो सकता है? मुझे शेष नागिन क्यों नहीं चुना जा रहा है? इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो जिसे शेष नागिन चुना गया था वो अभी भी जिंदा है, या फिर आज शेष नागिन बनने का वक्त सही नहीं। शेष नागिन को चुनने का सही वक्त शुक्ल पक्ष की रात। शुक्ल पक्ष की रात या उसके आगे या पीछे के तीन दिन, जब चांद थोड़ा बड़ा हो और नक्षत्र मघा हो। इसका मतलब यह कि तुम्हें शेष नागिन बनने के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। एक साल बाद ही तुम अपनी शक्तियों को पा सकती हो। एक साल बाद ही तुम शेष नागिन बन सकती हो। क्या आपको लगता है प्रथा जिंदा हो सकती है? एक साल बाद अगर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं मिली तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जिंदा है? तुम्हें क्या लगा महक कि मैं मर गई? क्या सोच रही थी? हाँ, इसने अपनी शेष नागिन की शक्तियां त्याग दी तो मर जाएगी? नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। और पता है ना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम शेष नागिन नहीं बन सकते। इसलिए अगर तुम्हें शेष नागिन बनना होगा तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। और मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही आज मैं नागिन नहीं हूं पर आज भी वही हूं जो शेष नागिन बनने के लिए चुनी गई थी, और मैं वो हूं भी। मैंने अपने आंखों से तुम्हारी चिता को जलते हुए देखा था। हाँ, देखा होगा तुमने मेरी चिता को जलते हुए अपनी आंखों से, पर मुझे मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं छिप गई थी जमीन के नीचे, और जमीन के अंदर से जमीन का सीना चीर के आई हूं तुम्हें मारने। मुझे मारने नहीं, मेरे हाथों मरने आई है तू। अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी महक, अब जो भी करूंगी मैं करूंगी।
मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना, तुम्हारी महक दीदी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, है ना? तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना प्रथा? ऑफ कोर्स दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ एक बुरा सा सपना था, मैं तो डर गई। मैं एक तो मिथा क्यों डर रही हो? प्रथा तो चली गई है, प्रथा तो है ही नहीं, वो तो मर गई है। बड़ा अजीब सा था, पूरा सपना भी कितना बुरा था। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। ये पेपर साइन करवाने के लिए मैं किसी कांस्टेबल को भी भेज सकता था, पर मैं खुद यहाँ पे आया हूँ ये बोलने की आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी बहन प्रथा की जान नहीं बचा पाया। मैं प्रथा की कोई पेपर साइन नहीं करने वाली, जाओ यहाँ से। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने कहा ना तुम्हें, जाओ यहां से। शादी की भी तो किससे? उस इंसान से जो तुम्हारी बहन का पति था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अपनी बहन को इतना बड़ा धोखा कैसे दिया, कैसे। और हां एक और बात, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो। नहीं सॉरी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैं किसी को पसंद नहीं करती हूं, और ना ही वो मेरी बहन थी, और ना ही तुम मेरे को छलकते हो। सो मिस्टर इंस्पेक्टर, यहां से निकल जाओ। तुमने इस दुनिया के सबसे बुरे लोगों का साथ दिया है, बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। पर क्या ना इस दुनिया में बुरे कर्मों का हिसाब करने वाला कोई है? वो भगवान है, वो सब कुछ देखता है। और रियली भगवान सब कुछ देखते हैं तो देखने दो ना। कोई भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने अपने बहन को धोखा दिया? कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? मेरी बहन मर चुकी है और वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, और तुम भी इस घर में कभी वापस नहीं आ गए। सो जस्ट लीव एंड गेट आउट। मैं तो यहां से गेट आउट हो जाऊंगा, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे जिंदगी से कभी गेट आउट नहीं हो पाएंगे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा कोई कानून नहीं भगवान देगा। आएगा, तुम्हारा भी दिन आएगा। जब वो आएगा तब तुम कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हारे बुरे कर्म एक डर बनके तुम्हारे हर पल का हर कदम का पीछा करेंगे। कभी भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। बहादुर जी। मैम ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? वो रह गई थी। इस घर में जितनी भी ऐसी तस्वीरें हैं उनको बाहर फेंको। इस घर में प्रथा और ऋषभ की एक भी तस्वीर नहीं मुझे दिखनी चाहिए।
मेरी बहन एक कातिल थी, कातिल। खून किया था उसने, इसलिए वो जेल गई थी, इसलिए उसको फांसी की सजा हुई थी। एक साल बाद मैं शेष नागिन बन जाऊंगी। वो सपना था या सच पता नहीं, मेरे दिमाग में वो आया भी कैसे कि तू जिंदा है। तू मर चुकी है प्रथा, मैं तो पहले ही शेष नागिन बन चुकी होती, पर शायद बनने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक साल इंतजार करना है शेष नागिन बनने के लिए। जहां मैंने इतने साल इंतजार किया, वहां एक साल तो कुछ भी नहीं। बाय छोटी बहन, बाय। आज तेरी तस्वीरों का भी अंतिम संस्कार हो गया। अब इस घर में तुम्हारी कोई निशानी नहीं और तुम्हारी कोई कहानी नहीं। सपने तो पूरे आते जाते रहेंगे, जैसे वो बुरा सपना जिसे मैं तो डरी गई थी। लेकिन तू कभी वापस नहीं आएगी प्रथा, और कोई भगवान तुझे वापस नहीं लेके आएगा। Yes.